वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS वीडियो ट्यूटोरियल। आज हम फिर से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के कलेक्शंस लेके रैपिड फायर राउंड के लिए उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो NTPC रेलवे के एग्जामिनेशंस हो जाएं या फिर SSC CGL या CHSL के एग्जामिनेशंस हो जाएं या फिर बिहार के एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है उसकी बात हो, ये सारे क्वेश्चंस इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है, चौंकाने वाले उद्यानों जिसे चारबाग भी कहा जाता है का प्रचलन भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर बलबन द्वारा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाबर द्वारा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? हरा, पीला, लाल या फिर नीला? दोस्तों, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हरा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? लाला अमरनाथ, कृष्ण आचार्य श्रीकांत, सलीम दुर्रानी, सचिन तेंदुलकर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सलीम दुर्रानी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? नाथुराम गोडसे, लाला लाजपत राय, V.D. सावकर, मोतीलाल नेहरू? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, V.D. सावकर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? सिक्का धातु, हैलोजन, अक्रिय गैस या फिर लैंथनाइड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अक्रिय गैस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन। किस वायसराय के शासनकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ? लॉर्ड वेवेल के, चार्ल्स डिकेन के, लॉर्ड डलहौजी के या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन इज लॉर्ड वेवेल के। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर एट। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राज्यपाल, विधान परिषद, संसद, देश के गृह मंत्री? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संसद। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर नाइन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टेन। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, देवनागरी लिपि या फिर माली? राइट ऑप्शन इज ब्राह्मी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। सरिस्का वन जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक, अलवर, जैसलमेर या फिर अजमेर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अलवर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। अनिश्वरवाद के
संबंध में किन दो धर्मों में समानता है? पारसी धर्म या जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, सिख धर्म तथा सनातन धर्म, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? 1B, 1A, 2B, 2A। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1A। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 58 में, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 38 में। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संसद के किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1963, या ऑप्शन नंबर डी 1968। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1961। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, या फिर ब्राजील? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, बलबन ने, या फिर बिंबिसार ने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त ने। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के आदर्श आवश्यक तापमान क्या है? 10 डिग्री से -4 डिग्री तक, 12 डिग्री से -18 डिग्री तक, 10 डिग्री से -12 डिग्री तक, या फिर 10 डिग्री से -18 डिग्री तक? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री से -18 डिग्री तक। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। भागोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तराखंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ में, ग्वालियर में, उज्जैन में, या फिर वाराणसी में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, या फिर रूस में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? सत्येंद्रनाथ बोस की, नंदलाल बोस की, लक्ष्मी लाल दास, या फिर राखलदास बैनर्जी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस की। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बृहस्पति, मंगल, शनि, या यूरेनस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मंगल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? माला, सहेली, तारा, या इनमें से कोई नहीं।
The right answer is option number C, Saheli. Now look at question number 25, last question of the rapid fire round. कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, 14वें शिलालेख या फिर 15वें शिलालेख में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 13वें शिलालेख में। दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं, अब फिर कल एक नए रैपिड फायर राउंड के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। यदि आपको ये रैपिड फायर राउंड अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको अपना कोई सुझाव हो तो प्लीज़ सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम आपके सुझाव के हिसाब से अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। Thank you very much for watching our video. Keep watching.